गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग यूनिट नंबर 4 ऑफ योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक प्रेपोजिशंस। टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट 1। द लिटिल पपी इज़ वेरी नोटी, लुक एट हिम, ही कैन नॉट सिट साइलेंटली इवन फॉर ए मिनट। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ हिम टेकन बाय हिज मास्टर अंकुर। Write 6 sentences about him using the clues from the 8 box given on the next page along with the pictures. The first one has been done for you. यहाँ हमें वर्कशीट 1 में क्या गिवन है, यहाँ पर एक पपी की एक्टिविटी। पपी हमें पता है किसे बोलते हैं, जो डॉग होता है उसके बच्चे को क्या बोला जाता है, उसके किड को क्या बोला जाता है, पपी। तो यहाँ पर जो छोटा डॉग है, जो पपी है, वो डिफरेंट एक्टिविटी करता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमें 6 पिक्चर्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि उसका जो मास्टर है अंकुर। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ हिम टेकन बाय हिज मास्टर अंकुर। अंकुर ने, जो उसका मास्टर है, कुछ पिक्चर्स ली हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन 6 पिक्चर्स की हेल्प से 6 सेंटेंसेस राइट करने हैं, और वो 6 सेंटेंसेस हमें इस 8 बॉक्स की हेल्प से राइट करने हैं। यहाँ जो 8 बॉक्स है, यहाँ पर हमें वर्ब्स की फॉर्म गिवन है, और हमारा जो चैप्टर है वो है प्रेपोजिशन। मीन्स हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन की एप्लीकेशन, उसे यूज़ करना यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल के लिए गिवन है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर पप्पी क्या कर रहा है, जग के अंदर झांक रहा है, और झांकने को बोलते हैं पीप करना, ठीक है। द पपी इज़ पीपिंग इन टू द जग। जो पपी है वो क्या कर रहा है, जग के अंदर झांक रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन का किसका यूज़ किया, इन टू। यहाँ पर प्रेपोजिशन जो यूज़ हुई है वो है इन टू। अब देखो, यहाँ पर जो हमें वर्ब की फॉर्म गिवन है, होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, पीप मीन्स झांकना, रन भागना, जंप कूदना, वेट प्रतीक्षा करना, सिट बैठना। यहाँ पर हमने ing फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। जब कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है तो हम किस फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ ing फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर होल्डिंग, पीपिंग, रनिंग, जंपिंग, वेटिंग, सिटिंग, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड पिक्चर में देखो, यहाँ पर क्या है, इस पपी के मुँह में कुछ कीज़ दिख रही हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसने क्या कर रखा है, मीन्स इसने होल्ड कर रखा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, होल्डिंग। और प्रेपोजिशन क्या यूज़ होगी यहाँ पर, इन। द पपी इज़ होल्डिंग कीज़ इन इट्स माउथ। उसने अपने माउथ में कीज़ को होल्ड कर रखा है। थर्ड पिक्चर में देखो, यहाँ पर जो पपी है वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स के चारों तरफ भाग रहा है। मीन्स हम यहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, रनिंग, लेकिन जो प्रेपोजिशन होगी वो क्या यूज़ होगी यहाँ पर, अराउंड, ठीक है। यहाँ पर हमें देखो प्रेपोजिशन गिवन है, इन टू, इन, अराउंड, ऑन, एट, ओवर। इन प्रेपोजिशन का यूज़ हमने सेंटेंस की फॉर्म में करना था, इन सेंटेंसेस में करना था। नेक्स्ट थर्ड में का क्या सेंटेंस बनेगा, द पपी इज़ रनिंग अराउंड द बॉक्स। जो पपी है वो क्या कर रहा है, बॉक्स के चारों तरफ भाग रहा है। इन फोर्थ पिक्चर, जो पपी है वो बॉक्स के ऊपर बैठा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। द पपी इज़ सीटिंग ऑन द बॉक्स। एंड इन द फिफ्थ पिक्चर, पपी इज़ वेटिंग, ओके, और यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, एट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पपी इज़ वेटिंग एट द प्लेस, और यू कैन राइट पपी इज़ वेटिंग एट द डोर। नाउ इन सिक्स पिक्चर, अब यहाँ पर देखो पपी क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर जंप कर रहा है, इसके ऊपर से, तो इसलिए हम प्रेपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, ओवर। द पपी इज़ जंपिंग ओवर द बॉक्स। This is your worksheet 1 of unit 4.